साथियों नमस्कार। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें कुछ ऐसे कैल्शियम के बारे में बताया जाए जो कि दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार हो और इजीली उपलब्ध भी हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कैल्शियम से परिचय करवा रहा हूं और उसको कैसे देना है और किस तरीके से, मतलब पूरा विधि और उसकी मात्राएं वगैरह सब आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप कभी भी चूके नहीं। देखिए, जिस कैल्शियम के बारे में मैं बताने जा रहा हूं उसको हमने इस्तेमाल किया और अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अपनी इच्छा से कोई भी कैल्शियम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे कैल्शियम आते हैं जो बेस्ट होते हैं, तो आप कोई सा भी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक कैल्शियम आपको मार्केट में ईजीली उपलब्ध हो जाता है जिसका नाम है ऑस्टोवेट फोर्ट, लेकिन कईयों को पता नहीं है कि इसको देने का तरीका क्या है और किसके साथ इसको देना है। अगर आपको सही तरीका पता चल जाए तो आप ऑस्टोवेट फोर्ट से बहुत ही ज़्यादा दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखिए इस्तेमाल करना कैसे है। ऑस्टोवेट फोर्ट जो है वो कई फॉर्म में आता है। ऑस्टोवेट प्लेन भी आता है, ऑस्टोवेट फोर्ट भी आता है और ऑस्टोवेट फोर्ट चिलेटेड भी आता है। ये थोड़ा सा सुपर ब्रांड है, लेटेस्ट ब्रांड है, तो ये अच्छा काम करता है। आपको मार्केट में नज़दीक में जो भी मेडिकल स्टोर है उस पे ये मिल जाएगा। अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से आप इसको लेके आ जाइएगा और लाने के बाद आपको करना क्या है। देखिए कई भाई क्या करते हैं कि लाने के बाद ये साथ में एक बोतल लेके आते हैं। ये बोतल वाइमरॉल के नाम से आती है जो कि एक प्रकार का मल्टीविटामिन है। ये क्या है, ये है लिक्विड कैल्शियम जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस को एक निश्चित रेशियो में रखा गया है। और ये क्या है, ये है वाइमरॉल जो कि मल्टीविटामिन है, यानी इसमें बहुत सारे विटामिन्स को मिलाया गया है। कई कंपनियां क्या करती है, विटामिन और कैल्शियम को एक साथ मिला करके ही प्रस्तुत करती है, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि एक साथ अगर विटामिन मिले हुए रहेंगे तो कई रासायनिक क्रियाएं हो सकती है। इसी चीज़ को इस कंपनी ने समझा और दोनों को अलग अलग रखा। हालांकि निश्चित रेशियो में एक अलग तरीके से मिलाया जाए तो भाई वो फ़ायदेमंद भी होता है, वो अलग अलग कंपनी की अलग अलग टेंडेंसी होती है। हमें क्या करना है इसके बारे में अच्छी तरीके से समझना है। देखिए ऑस्टोवेट फोर्ट और वाइमरॉल दोनों को साथ लाना होता है। अगर 5 लीटर ऑस्टोवेट फोर्ट ला रहे हैं तो 120 ml वाइमरॉल साथ में लेके आना होता है, ठीक है। अब 120 ml वाइमरॉल का करना क्या है, ये जब साथ में आप मिला देंगे, जो ही लाते हैं ढक्कन खोल करके इसको पूरा आप एक साथ मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रोज़ अलग अलग देना चाहते हैं तो अलग अलग भी दे सकते हैं, दोनों रास्ते खुले हैं। अलग अलग अगर देना चाहते हैं तो इसको रोज़ आप 5 से 10 ml मिला सकते हैं, और अगर आप मिक्स करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं। जो ही आप 5 लीटर लेके आए, 120 ml वाइमरॉल लेके आ जाइए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, यानी हमें इनको करना है मिक्सअप। तो दोनों को कर देते हैं मिक्स, ये लीजिए। तो दोनों को मिक्स कर दीजिए, मिक्स करके रख लीजिए और रोज हिला करके, और आप 100 ml देंगे। कितना देंगे भाई, 100 ml, यानी दोनों को मिक्स करके आप 100 ml दीजिए। अब इसको देना किस तरीके से है, देने का तरीका सुन लीजिए। आपको इसे दाना मिश्रण में मिला करके देना चाहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसके अलावा अगर कोई पशु मान लीजिए दाना मिश्रण में नहीं खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी में मिला करके भी दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कई बार पानी में नहीं पीते तो पानी में अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ें मिक्स करके दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मिश्री मिला रहे हैं या कुछ भी मिला रहे हैं, तो उसमें आप मिक्सअप करके दे सकते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है। गायें भैंसे ये मीठा होता है क्योंकि इसमें शर्करा की मात्रा होती है, इस वजह से ये दाना मिश्रण के साथ ईजीली खा लेती है, स्वादिष्ट लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने में। तो आप दोनों को मिला करके रख लीजिए और रोज़ 100 ml देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपकी गाय पीक लेवल पर है, अच्छा दूध दे रही है, या आप अच्छा दूध उससे प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि उसका दूध बढ़े, तो ऐसी कंडीशन में आप ऑस्टोवेट फोर्ट और वाइमरॉल को ला करके दोनों को मिला दीजिए और मिला करके 100 100 ml रोज़ देते रहिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा।